मुझसे ज्यादा तुम झगड़े हो और डॉट डॉट डॉट। गंभीर ने निकाली कोहली के सामने बैठकर अपनी भड़ास। बीसीसीआई ने वायरल वीडियो पोस्ट कर मचाया कोहरा। तो आखिरकार बीसीसीआई ने आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार खत्म कर दिया है, सभी मीडिया कर्मियों का भी इंतजार खत्म कर दिया है। सभी गंभीर के कोच बनने के बाद ये जानना चाह रहे थे, ये समझना चाह रहे थे कि कहीं गंभीर और विराट कोहली के रिश्ते के कारण भारतीय टीम को नुकसान तो नहीं उठाना पड़ रहा है। आखिरकार गंभीर और विराट कोहली के बीच सामंजस्य ड्रेसिंग रूम में बैठ भी पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है? आखिरकार गौतम गंभीर और विराट कोहली के रिश्ते इस वक्त कैसे हैं? क्या दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वार्तालाप इन दोनों के बीच कैसी चल रही है? ये सभी जानकारी सभी क्रिकेट प्रेमी जानना चाह रहे थे, और जिसका अंत बीसीसीआई ने वायरल वीडियो पोस्ट करके किया। आखिरकार इस वीडियो में क्या कुछ गंभीर और विराट कोहली के बीच वार्तालाप हुई? गंभीर ने क्या कुछ विराट कोहली से सवाल पूछे? कैसे अपनी भड़ास निकाली? इसके अलावा ये भी हम जानेंगे कि विराट कोहली ने सभी को क्या संदेश दिया। पूरी विस्तृत ढंग से आपको जानकारी देंगे, तफसील से एक एक बिंदु इस वीडियो का बताएंगे, और इस वीडियो के मायने क्या है, तात्पर्य क्या है, बीसीसीआई का उद्देश्य क्या है इस वीडियो को रिलीज करने का, ये सभी बातें आपसे हम चर्चा करेंगे। अगर हम इस वायरल वीडियो की बात करें तो यहाँ पर वीडियो में शुरुआत गौतम गंभीर कर गंभीर चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे की, जहां पर विराट कोहली अपने रौद्र रूप में थे। चार टेस्ट मुकाबलों में भैया शतक पे शतक ठोके जा रहे थे। स्टीव स्मिथ के साथ उनकी टक्कर जोरदार थी, जबरदस्त थी। गंभीर कहते हुए नजर आते हैं विराट कोहली से कि जिस जोन में आप उस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बल्लेबाज उस जोन में कभी भी बल्लेबाजी किया हो, और फिर मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप कभी भी उस जोन में दोबारा जाकर बल्लेबाजी किए हो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि ऐसा जो समा बनता है, जिस जोन में एक बार खिलाड़ी पहुंच जाता है, जिस जोन में आप पहुंचे थे, फिर उस जोन में पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। क्योंकि अगर मैं अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर पर प्रकाश डालूं, पीछे मुड़कर देखूं, तो जो नेपियर टेस्ट में साल 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जब भारतीय टीम के ऊपर पारी का हार का खतरा मंडरा रहा था, तो दूसरी पारी में बेहतरीन शतक की पारी खेलकर गंभीर ने भारतीय टीम की इज्जत बचाई थी, ढाई दिन पूरे खेले थे। कहा उस जोन में जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था, फिर मैंने कभी उस जोन में अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में कभी भी बल्लेबाजी नहीं किया, ना मैं कर सकता था उस जोन में जाकर। और वही मैं उम्मीद करता हूं कि जिस जोन में आपने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, जहां पर आपने 86.5 के औसत से 692 रन बनाए थे चार टेस्ट मुकाबलों में, फिर कभी दोबारा उस जोन में बल्लेबाजी किए हो, क्योंकि वो अपने आप में एक स्वर्णिम श्रृंखला था आपके लिए, आपके करियर के लिए, और उसने बतौर बल्लेबाज आपको बहुत निखारा है। तो इस बात से विराट कोहली अग्री करते हुए नजर आए, बोले कि हाँ उस जोन में फिर मैं कभी बल्लेबाजी नहीं कर पाया, लेकिन वो श्रृंखला यादगार श्रृंखला रहेगी। जिस अंदाज में मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर बल्लेबाजी की थी, उसने बतौर क्रिकेटर मुझे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। इसके बाद विराट कोहली ने गंभीर से एक तगड़ा सवाल पूछा, और वही सवाल इस वक्त वायरल हो रहा है उस वीडियो कंटेंट का। वहां पर विराट कोहली पूछते हुए नजर आए कि जब आपको विपक्षी टीम बल्लेबाजी करते हुए प्रोवोक करती है, तो आप गलती करते हैं और आउट हो जाते हैं, या फिर आप और भी सुदृढ़ता के साथ, और भी इंटेंसिटी के साथ, और भी जुझारूपन लाकर बल्लेबाजी करते हैं, और टिट फॉर टैट का मतलब जैसे को तैसे के तरीके से जवाब देते हुए एक बेहतरीन पारी खेलते हैं, आखिरकार आपके साथ होता क्या? कंसंट्रेशन आपका भंग हो जाता है जब आपके साथ स्लेजिंग होती है, या आपको प्रोवोक किया जाता है, या फिर और आप निखर कर और बेहतरीन बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं? तो इस पर गौतम गंभीर बहुत ही मजेदार जवाब देते हुए नजर आते हैं। कहा कि आपने ज्यादा ये सब चीजें की हैं, तो आपको बेहतर पता होगा, आपने ज्यादा विपक्षी टीमों को प्रोवोक किया है, विपक्षी टीम के खिलाड़ी आपको ज्यादा प्रोवोक किए हैं, आप इन सभी सिचुएशन से ज्यादा गुजरे हैं, तो आप प्रशंसकों को बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि आखिरकार क्या होता है। तो विराट कोहली ने कहा कि मुझे तो भैया कंसंट्रेशन भंग नहीं होता है, मैं और जमकर डटकर बल्लेबाजी करता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन प्रोवोक कर रहा है, नहीं प्रोवोक कर रहा है, जो जितना प्रोवोक करता है मैं और उतना ही बेहतर क्रिकेट खेलना जानता हूं। इस पर दोनों हंसते हुए नजर आए, और यही वीडियो कंटेंट इस वक्त वायरल हो रहा है, जहां पर गंभीर कहते हुए विराट कोहली से नजर आते हैं कि आप तो ज्यादा झगड़े हुए हैं मुझसे, विरोधी टीमों से आप उस माहौल से ज्यादा गुजरे हुए हैं, और आपसे बेहतर और कौन बता सकता है।
फिर अंत में जाते जाते विराट कोहली संदेश भी सभी क्रिकेट प्रेमियों को देते हैं कि देखिए जो भी मसाला था अब शायद अंत हो जाएगा इसका, अब आपके पास कोई मसाला नहीं रह जाएगा कि गंभीर वर्सेस विराट कोहली करने का, ये दिखाने का कि आखिरकार ड्रेसिंग रूम में कैसे दोनों वार्तालाप कर रहे होंगे, आखिरकार कैसे ये दोनों ड्रेसिंग रूम में सामंजस्य बैठा रहे होंगे, क्योंकि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। हम जब प्रतिद्वंदी के तौर पे खेलते हैं तो फिर से वैसे ही रिएक्ट करेंगे, एक प्रतिद्वंदिता मैदान पर बनी रहेगी, लेकिन जब हम बतौर खिलाड़ी एक टीम के साथ रहेंगे और हमारा उद्देश्य एक रहेगा कि सिर्फ भारतीय टीम को जिताना है, तो फिर हमारे के बीच कोई राइवलरी नहीं रहती है, हमारा उद्देश्य सेम रहता है, तो फिर राइवलरी किस बात की, हम दोनों एक ही उद्देश्य के लिए इस वक्त भारतीय टीम से जुड़े हैं और भारतीय टीम को आगे लेकर जाना है। तो ये जो संदेश दिया है विराट कोहली ने कि सारे मसाला अब खत्म हो जाएंगे, किसी के पास कोई कंटेंट बनाने को नहीं रहेगा, विराट वर्सेस गंभीर करने को नहीं। तो अभी तक जो चर्चाएं होती थी वो जो आईपीएल में एक बार दोनों के बीच भिड़ंत हुआ था गंभीर और विराट के बीच, उसके बाद अक्सर इन दोनों के बीच कुछ न कुछ छुटपुट बातें बाहर निकल कर आती हैं, ये सवाल अक्सर उठाए जाते हैं, और जब से गंभीर कोच बने तब से और भी उग्र तरीके से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि गंभीर और विराट कोहली के बीच रिश्ते कैसे होंगे ड्रेसिंग रूम में, कहीं इन दोनों के रिश्ते के कारण भारतीय टीम को घाटे का सौदा ना हो जाए, और भी बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों पर अब विराम लग चुका है। बीसीसीआई ने इसी उद्देश्य से ये वीडियो पोस्ट किया है, और ये वीडियो इस वजह से भी पोस्ट किया होगा कि अब विराट कोहली और गंभीर आपस में अगर चर्चा कर लेते हैं और वो वीडियो समाज प्रशंसकों तक पहुंच जाता है तो ये दोनों आपस में भी सहज महसूस करेंगे, सब कुछ ठीक है ड्रेसिंग रूम का माहौल, ये भी संदेश देने का बीसीसीआई ने प्रयास किया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस वीडियो के मोटिव का, और क्या कुछ समझ में आता है कि कहीं मतलब विराट और गंभीर के रिश्ते अब एकदम सामान्य हो चुके हैं या नहीं हो चुके। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।